सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान एक मुस्लिम युवक ने जय श्री राम का नारा लगाया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद हंगामा जारी है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने युवक से तौबा करने की सलाह उसको दी है। वहीं अब युवक खुद सामने आया है। क्या कुछ कहना है युवक का, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीजेपी की रैली में जय श्री राम के नारे का शोर होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं अगर ये नारा कोई सफेद टोपी पहने हुआ व्यक्ति लगाए तो निगाहें जरूर ठहर जाती हैं। सहारनपुर में 2 दिसंबर को हुई गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में मुस्लिम शख्स ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। मंच पर अमित शाह ट्रिपल तलाक को खत्म करने पर सरकार की उपलब्धि बता रहे थे। इधर युवक का नारा लगाना ही था कि उधर कई लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। वीडियो सामने आने के बाद मुस्लिम आकाओं ने फरमान जारी किया और युवक को रुजू करने की सलाह दे डाली। एक मुस्लिम शख्स जो है इस तरीके के नारे लगा रहा है जय श्री राम के और दूसरी चीज़ों के, तो इस्लाम में इन सब चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। वो इस तरीके के नारे लगा रहा है, इस्लाम में ये सब चीज़ें मना है, ममनू है, तो इसको हम मशवरा देंगे कि वो उलमा के पास में जाए, रुजू करे और तौबा करे। अब जय श्री राम का नारा लगाने वाला युवक खुद सामने आया है और उसने कहा है कि श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। देखिए राम हमारे, हम राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। जय श्री राम बोलने में या भारत माता की जय बोलने में जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसकी जय जयकार करनी चाहिए। लेकिन उलेमा कह रहे हैं कि आप इस्लाम से खारिज, आपको तौबा करनी चाहिए। देखिए उनका अपना काम है, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम को अंजाम दे रहा हूँ। इन नमल आमालू बिन्नियात, नियत के ऊपर सारा दारोमदार है, मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। बहरहाल मुस्लिम युवक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और सियासी बुखार हाई है, लेकिन युवक ने सामने आकर जरूर धर्म की राजनीति करने वालों पर ठंडे पानी की बौछार डाल दी है। टीम न्यूज़ स्टेट।